एक रिटायर आर्मी ऑफिसर सुबह सुबह अपनी शादीशुदा बेटी को फोन लगाते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हारी माँ को और छोटी बहन को जान से मार दिया। इतना सुनते ही बेटी के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत अपने पति और बच्चे के साथ पिता के घर पहुंच जाती है। डोरबेल बजाती है, लगातार आवाज़ देती है, पर पिता दरवाज़ा नहीं खोलते हैं और अंदर से ही कहते हैं कि पहले पुलिस को बुलाओ। आज हम आपको जो केस बताने जा रहे हैं, इसको सुनने के बाद मुझे यकीन है कि आपको भी अपराधी के प्रति सहानुभूति हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय और आप देख रहे हैं द चाणक्य पे क्राइम कहानी। ये मामला है आज़ादी के बाद का, यानी कि लगभग 1950 का समय था, जब एक नौजवान यानी कि पुरुषोत्तम सिंह गांधोक इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं। 1962 में जब इंडिया चाइना का युद्ध हुआ और 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, तो इन दोनों ही युद्ध में पुरुषोत्तम शामिल हुए थे। पुरुषोत्तम की शादी अपने से 9 साल छोटी महिला जसबीर के साथ होती है। जसबीर 2 लड़कियों को जन्म देती है, बड़ी लड़की गुरविंदर और छोटी लड़की कमलजीत। कमलजीत बचपन से ही मानसिक रूप से काफ़ी कमज़ोर थी। वो ना पढ़ाई कर सकती थी और ना ही खुद के पर्सनल काम। वो पूरी तरीके से अपने परिवार के लोगों पे डिपेंडेंट थी। पुरुषोत्तम को 1976 में पैर में गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वो आर्मी से रिटायरमेंट ले लेते हैं और बाद में गाड़ी चलाने का काम करते हैं। उम्र बढ़ती है तो वो काम भी छोड़कर वो दुकान खोल लेते हैं, और उम्र बढ़ती जाती है और वो बीमारियों से घिरते जाते हैं तो वो काम भी वो छोड़ देते हैं। मुंबई के अंधेरी के इलाके में सेटल हो चुके पुरुषोत्तम, जब उनकी उम्र 75 वर्ष से ज़्यादा हुई तो उनकी पत्नी जसबीर ने बिस्तर पकड़ लिया और उनकी छोटी बेटी कमलजीत, जो कि बचपन से ही बच्ची ही रही, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब पुरुषोत्तम के ऊपर आ चुकी थी। वहीं पे उनकी बड़ी बेटी गुरविंदर अपने पति और बच्चे के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। 8 फरवरी 2022, पुरुषोत्तम की उम्र जब लगभग 90 वर्ष की हुई, तो सुबह सुबह 8:40 पर पुरुषोत्तम ने अपनी बड़ी बेटी गुरविंदर को फ़ोन लगाया और कहा, मैंने तुम्हारी माँ और छोटी बहन कमलजीत की जान ले ली है। इतना सुनते ही गुरविंदर अपने पति और बच्चे के साथ पिता के घर भागी भागी पहुँचती हैं। डोरबेल बजाती हैं पर पिता दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। वो लगातार बाहर से आवाज़ देती है कि पापा दरवाज़ा खोलो, पर पापा दरवाज़ा नहीं खोलते हैं और कहते हैं पहले पुलिस को बुलाओ, तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगा। गुरविंदर अपने पति के साथ नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच के पूरा मामला बताती हैं और पुलिस पुरुषोत्तम के घर पे पहुँच जाती है। पुरुषोत्तम पुलिस के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं और पुलिस जैसे ही बेडरूम में जाते हैं तो वो कमलजीत को बेड पे खून से लथपथ पाते हैं और दूसरे पलंग पे, जो कि एक लोहे का पलंग था, वहाँ पे पुरुषोत्तम की वाइफ भी खून से लथपथ मिलती हैं। गुरविंदर अपने पापा से पूछते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो पुरुषोत्तम कहते हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं अब घर का काम नहीं कर सकता था, मैं इन दोनों की और सेवा नहीं कर सकता था और मैं इन दोनों को और ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं देख सकता था, इसीलिए मैंने कल रात को, यानी कि 7 फरवरी 2022 को रात को 8:30 किचन में जाके किचन का चाकू लेके माँ का और बेटी का दोनों का गला रेत दिया और रात भर शव के साथ पुरुषोत्तम लेटे रहे। और अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने गुरविंदर को फ़ोन लगाया था। हालांकि कुछ दिन पहले ही गुरविंदर ने उनके घर पे एक मेल सर्वेंट भी लगाया था, पर वो भी 2 दिन काम करके वहां से भाग गया। 11 फरवरी 2022 को पुलिस पुरुषोत्तम को कस्टडी में ले लेती हैं। कस्टडी के दौरान गुरविंदर उन्हें जेल में मिलने जाती हैं और उन्हें ये पता चलता है कि उन्हें स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, फीवर है, यूरिनेशन बार बार हो रहा है और उनके घुटनों में भी काफ़ी दर्द है। वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हैं और कोर्ट उन्हें जे हॉस्पिटल में एडमिट करने की परमिशन दे देते हैं।
गुरविंदर सेशन कोर्ट में पुरुषोत्तम की बेल अपील के लिए अप्लाई करती है पर सेशन कोर्ट उसे रिजेक्ट कर देता है, इसलिए गुरविंदर मुंबई हाई कोर्ट में अपील करती है कि उनके पिता की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और वो नहीं चाहती हैं कि बचा हुआ जीवन उनका जेल में बीते और वो आगे के लिए उनकी सेवा करना चाहती है। इसीलिए मुंबई हाई कोर्ट के जज ये फैसला लेते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी 18 महीनों की सज़ा जेल में बिता चुके हैं और 91 ईयर्स के हो चुके हैं और आने वाले समय में जल्द ही कोर्ट ट्रायल शुरू नहीं होगा और ना ही पुरुषोत्तम के खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ये पूरी तरीके से बीमारी से ग्रस्त है। इसीलिए जज ये फैसला सुना देते हैं कि 25,000 का पर्सनल बॉन्ड और रेगुलर ट्रायल अटेंड करने का आदेश जज पुरुषोत्तम को देते हैं और अगस्त 2023 में पुरुषोत्तम को बेल मिल जाती है जो अब अपनी बेटी गुरविंदर के साथ रह रहे हैं। पुरुषोत्तम जी जिनकी उम्र 91 इयर्स हो चुकी है, जिन्होंने ना केवल अपने देश की बल्कि अपने परिवार की सेवा बड़ी ईमानदारी से की है, खासकर जब वो खुद भी फिजिकली काफ़ी तकलीफ में थे, कमज़ोर थे। उन्हें ये डर सता रहा था कि अगर वो इस दुनिया से छोड़ के चले गए तो उनके जाने के बाद उनकी पत्नी और बेटी का ध्यान कौन रखेगा। इसीलिए उन्होंने मजबूरी में अपना और उनका दुख समझते हुए उन्हें इस दुनिया से मुक्त कर दिया। कानूनी तौर पे ये फैसला कितना सही है या गलत हम ये तो नहीं जानते हैं, पर हम पुरुषोत्तम जी के अच्छे स्वास्थ्य की दुआ करते हैं। नमस्कार।